ये इनकी आवाज़ दलितों की, औरों की, जाटवों की, मुसलमानों की या कोई भी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाती? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पेट जो है घर से चलता है या रोजगार से चलता है? रोजगार से चलता है। बताइए मुसलमानों को, मणिपुर का पता आपको, हाथरस का पता आपको, किसान मरवा दिए, जवान शहीद करवा दिए। राहुल गांधी ये बोलते हैं तुम पंजे का बटन दबाओ तो पंजा जीतेगा, मोदी जी ये कहते हैं तुम बटन कोई सा भी दबाओ जीतेंगे हम ही, वही देख रहे हैं हम भी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पेट जो है घर से चलता है या रोजगार से चलता है? रोजगार से चलता है। बताइए मुसलमानों को कौन सा रोजगार चलाया है? नहीं, रोजगार को अलग से दें, मीट का काम एक बात बताओ, घर दे दिए तो क्या बुरा करा? रोजगार, अरे हिंदुस्तान में रोजगार रोजगार किसका है, आप एक बात तो बताओ। अरे जिनको रहने की भैया हिंदुस्तान में, भारत के अंदर यहाँ किसी का भी रोजगार खत्म है, एक बात बताइए। मुसलमानों का नाम मत लीजिए, यहाँ किसी का रोजगार नहीं। देखिए रोजगार का मुद्दा तो सबके लिए है, रोजगार का मुद्दा किसी जात से नहीं है, रोजगार का मुद्दा सबके लिए है। रोजगार जहाँ तक मुसलमान का रोजगार की बात है, मैडम मैंने इन भाई के ऊपर कहा, इन्होंने कहा था मुसलमानों के लिए घर बनाए, इन्होंने ये नहीं कहा सबके लिए। मैंने मुसलमानों के वर्गों के लिए सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिमों को मिला उसमें, और एससी को मिला, पिछड़े वर्ग को मिला। बता दीजिए एक लाभ सबसे ज्यादा, एक लाभ बता दीजिए। क्या मुद्दे हैं आप? कौन सा मुसलमानों का गठबंधन? आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, आप जो बता रही थी ना कि मकान बना दिए, मकान बना दिए, डूढ़ा ऑफिस में चलो अभी, एक किस्त मिल गई, किस्त मिली बिना लोगों की जो है की किस्त, ये मकान वाले चले वो मकान बनवा दिए, अच्छे मकान बनवा दिए। मणिपुर का पता आपको, हाथरस का पता आपको, किसान मरवा दिए, जवान शहीद करवा दिए इन्होंने, उस पर कोई नहीं बोलता। बताइए अगले अब यही तो कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बात करता? देश की जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो कहाँ है, इस पर कोई क्यों नहीं बात करता? देश का रोजगार कहाँ है, इस पर कोई क्यों नहीं बात करता? देखो ये बात ये भाई साहब कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें जो हो ना, सिर्फ थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये तो हर धर्म में हर उसमें होते हैं कि एक न दो चार आदमी जो हो ना गलत जरूर होते हैं, बाकी इतना तो है कि कभी मायावती की सरकार थी, कभी अखिलेश जी की सरकार थी, बेचारे की उनकी सरकार तो थी, बाकी गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा थी, अब गुंडागर्दी हो गई खत्म। बस इस सरकार की जो ना मुझे अमीर भाई पहले रुक जाओ जरा, पहले सुन लो पहले बात को, पहले सुन लो भाई साहब, देखेगा थोड़ी प्रॉब्लम तो है, ये तो है, ये तो माननी पड़ेगी। कुछ लोग इसमें भी हैं जो काम कारोबार, सिर्फ हम तो ये चाहते हैं कि हम तो बार बार वोट हमसे वोट लो और सिर्फ कारोबार दो, हाँ कारोबार दो हमें, अजी विकास की मतलब हमारी सड़क सारी तोड़वा दो, कोई गिल्ला शिकवा नहीं, बाकी हमें चाहिए सिर्फ कारोबार, हमें सिर्फ कारोबार चाहिए। अगर जो हमें कारोबार मिलता है तो हम ये कहते हैं कि हम बार बार वोट इन्हें ही देंगे, इनसे पीछे ना हटने के हैं, बाकी कारोबार चाहिए हमारी सारी सड़कें तोड़वा दो, हमें गिल्ला शिकवा नहीं है। ये जो आप देखिए, आपका मतलब है सरकार कोई भी हो कारोबार होना चाहिए? सुनो अब ईद की बात सुनिएगा, ईद की नमाज के लिए इन्होंने ये कह दिया कि चार दीवारी के अंदर पढ़ो, बड़ी अच्छी बात लगी, बहुत बढ़िया बात करी, बहुत बढ़िया काम करा, बाकी एक काम गलत हुआ है। देखिएगा अभी ये जो है 14 अप्रैल में पूरे दिन रोड जाम रहा, सारे जो ना डीजे इतने बेचते हुए गए, जो के आदमी के जो अटैक का प्रॉब्लम थी ना, मेरे पिताजी को अटैक की प्रॉब्लम थी, डीजे इतनी तेज ले गए बजा के कि हद से ज्यादा, ये गलत काम हुआ। कौन डीजे लेके गया बजा? सब यहाँ पे लेके, अच्छा 500 गए निकले हैं। अच्छा जी, ये हमें गिल्ला शिकवा इनसे भी नहीं है, सिर्फ बात है सारी यही प्रॉब्लम, सबका काम सबको, जब कह रहे हैं सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, हम तो साथ देने के लिए तैयार है, हमारा विकास करें, विकास चाहते हैं हम तो, बस सिर्फ देखिए मैं एक और मुद्दा यहाँ पे बात करेंगे कि महिलाएं जो हैं, जो मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम बहनें हैं, उनका कहना ये है कि योगी सरकार ने उनका बहुत साथ दिया, बहुत सारे मुद्दों पे उनको साथ दिया, जैसे ट्रिपल तलाक की बात कर लें, उसके लिए भी मोदी सरकार ने अभियान चलाया महिलाओं के लिए, तो महिलाएँ भी कहीं ना कहीं कहती हैं कि योगी भाईजान मोदी भाईजान, इस पर क्या कहेंगे फिर? हाँ महिलाओं को सेफ्टी दी गई है, ये बात सही है, तो महिलाएं जो हैं सेफ हैं, इस चीज़ की तो गारंटी कौन दे रहा है? देश की सरकार कोई भी हो, एक बात बताइए, चाहे बीजेपी सरकार हो, इंडिया गठबंधन हो, या कांग्रेस की हो, या समाजवादी की हो, ये बताओ कौन सरकार ऐसा कहती है कि देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या बीजेपी वालों ने अनोखा सुरक्षित करा महिलाओं को? पहले और किसी सरकार में ये कहते थे कि सारे आम इन महिलाओं की इज्जत ही नहीं है, कोई वो नहीं है, तो कानून संविधान में बना हुआ है कि अपने पास से थोड़ी बना रहे हैं, संविधान में नहीं है महिलाओं के लिए जो
बाबा साहब ने अम्बेडकर ने जो बनाया है कानून, क्या उस संविधान को नहीं मानती है? उस संविधान से हटके अलग चलते हैं देश में? हम ये नहीं चाहते, हम मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी, एक बात बताओ, हिंदू कितना है देश में? 30%। जो एससी ओबीसी एसटी है वो 75% है, 75% है, नहीं है? तो ये इनकी आवाज़ दलितों की, औरों की, जाटवों की, मुसलमानों की, या कोई भी ओबीसी है एससी एसटी है, इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये रोज़गार पे बात क्यों नहीं करते? जब देश में रोज़गार नहीं है, घर में खाने को नहीं है, और फिर करते हैं सिलेंडर 1200 रुपये का, तेल 100 रुपये लीटर, और दालें 200 रुपये किलो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिलेंडर पे हमारा कहना यह है, बाजरा नहीं खाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला इस पे बात करेंगे पहले पूरी बात। क्या देश को प्रधानमंत्री जी हमारे जो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या देश को, देश की जनता को राशन पर लाकर लाना चाहते हैं? जब से मोदी देश की जनता बताइए जी, मैं पहले मोदी जी का सपोर्टर था, लेकिन मैंने जब से बाजरा देखा है और भुखमरी देखी है, जब से मैं थोड़ा हटता जा रहा हूँ। या तो मोदी जी मुझे अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो कम से कम लगभग 30 किलो गेहूँ एक आदमी को मिलना चाहिए। जो बच्चे फैमिली वाला है, मेरे 7 बच्चे हैं, मुझे 30 किलो गेहूँ मिलना चाहिए, 6 किलो गेहूँ। उसके अलावा कोई और मुद्दा आपको लगा नहीं ऐसा कि आप? सबसे ज्यादा बड़ी क्वालिटी हमारे यहाँ राशन की है, और हमारी यहाँ कंपनी जो है ये हाजी नौसाद की कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ये खुलने चाहिए। ऐसा है जैसे हमारे खुलने चाहिए, जहाँ तक मोदी जी ने और योगी जी ने अब थोड़ा सा डील दे रहे हैं, जनता का गरीब जनता का दिमाग बांधा है कि राशन दे रहे हैं, इन्हें बेरोजगार करा जा रहा है। 6 किलो राशन हमें बिल्कुल नहीं चाहिएगा, हमें 25 किलो राशन चाहिए। सुनो, सरकार को राशन दे रही है, बात सही है, लेकिन इसके पीछे ये सोचना पड़ेगा कि इनको रोजगार कैसे दिया जाए, ताकि ये हाथ ना फैलाएं, ये लाइन में ना लगें, भीख सी ना मांगें, इनको ये रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा। वरना तो रोजगार होगा कहाँ से, जब हमारी देश की संपत्ति में से 70% हिस्सा 22 लोगों पर है। हमारे अडानी जी हैं, 8 साल पहले जो है वो 147 नंबर पर आते थे, जब से उन्होंने मोदी जी से हाथ मिलाया अब वो देश के 4th नंबर पर आने लगे हैं। तो जो ये देश का अमीरों को और अमीर करना चाहते हैं, और जो देश की जनता है अपने मोदी जी खुद ही सपोर्टर तोड़ रहे हैं, मुझे बिल्कुल पक्का पता है, अपने मोदी जी खुद ही सपोर्टर तोड़ रहे हैं। मैं बहुत अच्छा सपोर्टर था उनका लगभग अब से 3 महीने पहले, लेकिन पता नहीं क्या होता जा रहा है। इतना ज्यादा खफा है आप जी सरकार से? काफी खफा? अभी जल्दी में खफा हुआ हूँ मैं, बिल्कुल शकील नाम है मेरा, मैं अभी जल्दी में खफा हुआ हूँ, क्योंकि बाजरा नहीं खाना, बाजरा कौन खाएगा बताओ? 9 किलो बाजरा मिला है, 6 किलो गेहूं मिला है। सर हम बहुत गरीब आदमी है, विकलांग आदमी है, विकलांगों के लिए तो तुम्हें इमरजेंसी में 160 किलो गेहूं देना चाहिए, बताओ क्या हो रहा हमारे लिए? पहले हम तुम्हारी दबते मोदी जी, अब पता नहीं क्या होता जा रहा, हम तुमसे हटते जा रहे हैं, या तो हमें हटाओ मत, नहीं वोट नहीं देंगे हम तुम्हें, बिल्कुल सबक क्लियर कह रहे हैं। क्या मुद्दे हैं 2024 में, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? देखिए सरकार तो जनता बनाएगी, जिसकी बनाएगी। आपको क्या लगता है किसको वोट देंगे मतदान? भाई मेरा अपना वोट फिलहाल तो मैं नोटा पर लगाना चाह रहा हूँ। अरे क्यों? मैं बीजेपी से, अब नोटा क्यों? मैं बीजेपी का मौजूदा जो पसपांता है जिला अध्यक्ष हूँ, और लोकसभा प्रभारी भी हूँ, लेकिन जिस तरह की राजनीति देश के अंदर चल रही है, किस तरह की, एक तरफा बिल्कुल माहौल बना रखा है भाई, सारा जो है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ माहौल चला करके ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और हालांकि विपक्ष का कहना अपना जगह कहीं ना कहीं वो सही है, बीजेपी जितने भी अपने मुद्दों पर थी वो सब मुद्दों से भटक चुकी है। महंगाई का मुद्दा सबसे पहले उठा, महंगाई की बात कोई नेता नहीं करता। अभी मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है एनआई को, देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी होती है एनआई, और उनके जो एंकर थी उसने एक सवाल मोदी जी से महंगाई के ऊपर नहीं पूछा। ठीक, महिला प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है, महिला सुरक्षा सम्मान कहीं कुछ नहीं है, और बल्कि सीधी सीधी एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी और पार्टी ने, एक वॉशिंग मशीन है। और आइए, कितने भी बड़े अपराधी हो, कितने भी आप पे मुकदमे हो, आइए पार्टी ज्वाइन कीजिए, ईडी और सीबीआई से बचने के लिए, और सीधा का सीधा भारतीय जनता पार्टी ने सीधा वॉशिंग मशीन में आइए और फ्रेश होकर जाइए, कितने भी मुकदमे लाइए। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ऐसा लगता है? नहीं, अपनी अपनी विचारधारा है सबकी, क्या लगता है आपको? मेरे वो कुछ नहीं लगता भैया, मैं तो बिल्कुल चुप पड़ा हूँ। तो किसी को, किसको वोट देंगे? वोट हम अपने वोट के हम मालिक हैं, जिसको मर्जी उसको देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो बताइए ना किसको देंगे? हम नहीं बता सकते, बताएंगे नहीं, हम नहीं बताएंगे किसी को देंगे और किसको नहीं देंगे, लेकिन वोट जरूर देंगे। तो आपके मुद्दे क्या है, क्या आप बदलाव सुधार? बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा है, बेरोजगार बच्चे बहुत मिल रहे हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है यहाँ बचा हुआ जो बेरोजगार नहीं है। इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, इसमें कम से कम 40% बेरोजगार है, 60% पे मेहनत मजदूरी वाले, 2% कारोबारी खत्म बिल्कुल, बताइए जिनके बड़े कारोबार है वो बिल्कुल खत्म है आज।
जो बीच का आदमी था थोड़ा छोटा कम थी। बताइए, जहाँ तक वोट की बात है इस लोकसभा की, मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ, इस लोकसभा का बताता हूँ खास तौर से। यहाँ 30 साल से हम इलेक्शन देख रहे हैं, यहाँ आज तक समाजवादी पार्टी तो जीती नहीं है। यहाँ जब जब भाजपा को हराया तो बीएसपी ने हराया। मेरठ में अगर शाहिद अखलाक जीते, सांसद बने, भाजपा को हरा के सांसद बने। दूसरी बार हाजी याकूब को एमपी बनाया दलित मुस्लिम गठजोड़ ने, हाजी याकूब को अलग बात है, ज़बरदस्ती और बेईमानी से हरा दिया, वो दूसरी बात है। हापुड़ में आ जाइए, हापुड़ में 2 बार विधायक और 2 बार चेयरमैन दलित मुस्लिम समीकरण से बना। धर्मपाल सिंह चेयरमैन 2 बार बने और 2 बार विधायक बने, 2 बार विधायक बने। अब यहाँ श्रीपाल दलित मुस्लिम समीकरण से बने। यहाँ जब जब भाजपा हारेगी इस लोकसभा में और पूरे उत्तर प्रदेश में, जब जब भाजपा हारेगी तो सिर्फ एक ही समीकरण बचता है, ये दलित मुस्लिम। अब ये क्या चाह रहे हैं भाजपा वाले के, जो दलित और मुस्लिम, एक मिनट, दलित और मुस्लिम जो हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, हमारे समाज, इनमें जहर घोलना चाह रहे हैं कि ये दोनों एक ना मिल जाए। क्योंकि अब तलक जो है बसपा ही हराती हुई आई है। कोई अगर ये बता दे साइकिल चौथे नंबर से 30 रुपए भी यहाँ आई है, समझ गए? नहीं, सुनिए, एक विधायक नहीं। अरे मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो है, अरे मेरी बात हमारी भी सुनो, उन्होंने क्या करा है? हमारे विधायक इस 5 विधानसभा में हमारे 3 सीट जो है साइकिल की है, और ये जो है एक भी नहीं है, एक भी हाथी की कहीं 5 विधानसभा में एक भी नहीं है। मंत्री बनाने के लिए तैयार हुए थे बहन जी। अरे इंडिया गठबंधन चलेगा और इंडिया गठबंधन ज्यादा खतरनाक, भाजपा से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव है सबसे ज्यादा खतरनाक, बीजेपी भी नहीं हमारे लिए। कम से कम नुट्टान पोटाया ना मायावती ने पोटाया, मुटलू मानो तो नुट्टान पोटाया, बसपा बेकार है, गुंडे तो बनाई थी मायावती ने बनाई। शाहिद भाई हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, शाहिद भाई बहुत वरिष्ठ, एक मिनट, शाहिद भाई बहुत वरिष्ठ नेता है बसपा के, लेकिन इनका राजनीतिक ज्ञान जो है थोड़ा अधूरा है। अरे एक मिनट सुनो, इनका राजनीतिक ज्ञान थोड़ा सा अधूरा है। ये भूल गए हैं कि जब जब यहाँ कोई भी जीता है भाजपा के अलावा, ये को भाजपा को हराया है, वो बिना मुसलमानों की वोटों के नहीं हरा पाए। और मुसलमानों में हमेशा जब जब, एक मिनट भाई साहब सुन लो, जब जब बसपा जीती है बिना मुसलमानों के वोटों के नहीं जीती है, लेकिन उसके बाद ही बहन जी क्या कहती हैं दिल्ली में बैठकर कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। क्यों? उन्हें डर रहता कि भाजपा उनका गला दबा देगी। ईडी सीबीआई उनके घर भेजे, उन्होंने घोटाले इतने कर रखे हैं और अपने भाइयों को इतना भर रखा है, उन्हें जनता से आज भी टिकट बेचती हैं। वो समाजवादी का रिकॉर्ड कहीं उठा लो, आपको नहीं कह सकता 1 रुपए का टिकट दिया, और बसपा का सबको पता है। देखो जी, बीजेपी इस टाइम बहुत बढ़िया काम कर रही है, और अपराधियों को, जो अपराधी है उसे तो डर लगेगा इस सरकार से। अच्छा जी, अब हम नहीं रह रहे हिंदुस्तान में क्या? हमें तो डर नहीं लग रहा। बाकी जो अपराधी है, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, गरीबों की सभा सरकार में मारधाड़ हो रही थी, बहन जी की सरकार में हो रही थी, और जब से बीजेपी सरकार बनी है इसने गुंडा राज खत्म कर दिया, और जो बाबा बुलडोजर बल्लाए है अपनी स्कीम, ये बहुत बढ़िया चल रही है। कह रहे हैं कि मुसलमानों के प्रति एक प्रोपेगंडा चलाया जा रहा है जो बीजेपी चलाती है, क्या आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह फैलाने वाली बात है। बीजेपी सरकार दोबारा भी बननी चाहिए, हम इस सरकार से बहुत राजी है। क्या क्या और क्या मुद्दे हैं आप? और कोई मुद्दे नहीं है, ये आपके 400 सीटें लेकर आवेगी और पूरी बहुमत से आवेगी पहले से। आज हम तैयार है, बीजेपी के साथ है हम। देखिए ऐसा है, भाई ने बहुत अच्छी बात कही है अभी, कि लगता है इनकी बातों से भाजपा के सपोर्टर कोई दिक्कत नहीं है सपोर्टर होना। इन साहब एक बात पूछ लीजिए, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, अभी 4 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ईद पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, और अभी बाबा साहब की जयंती मनाई गई है, कल रामनवमी मनाई गई है, सारे त्यौहार सड़क पर खुले में बने हैं, पूरा शहर जाम कर दिया गया, पूरा चौराहा जाम कर दिया गया, पूरे रास्ते बंद कर दिए गए, और ईद की नमाज जो जंगल में होती है वो बाउंड्री के अंदर एक नमाज 2-2 बार करवाई जाती है, वो सड़क पे क्यों नहीं होती? वहाँ सबका साथ सबका विकास चला जाता है। जो नवाजे कराई गई है वो कुछ लोग ऐसे हैं मुसलमानों में ही जो गंदी सोच लेके पैदा हुए हैं, उस मारे उन्होंने जमात जो कराई है तो उस मारे उन्होंने ये कराई है, कभी मुसलमान ने कुछ नया मुद्दा उछाल के और चुनाव वारे दौरे। अच्छा जी, इस मारे उन्होंने अपनी शांति सुख से त्यौहार मनाने की अपील करी अधिकारियों ने। इनके मुसलमानों को जो भी पार्टी, मैम मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि कुछ मुसलमान लोग गंदे हैं, क्या 2014 के बाद में मुसलमान गंदा हुआ? उससे पहले गंदा नहीं था। अब तो अफवाह फैली है, 400 पार सुनिए मुझे, 400 पार कभी इतिहास में किसी के आए? बस एक बार आए 1986 में, किसके? राजीव गांधी की गवर्नमेंट में। उसके बाद नहीं, 400 पार क्या है? नैरेटिव बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं नैरेटिव के अलावा। 400 पार कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात भाई, मैं एक मिनट मैम,
भाई ने बहुत अच्छी बात कही अभी, मतलब अच्छी तो नहीं, अच्छी नहीं कहेंगे उसको, इन्होंने गलत बात कही है, वो बहुत गलत बात कही है। इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों में कुछ लोग गंदी मानसिकता के आ गए, गंदी मानसिकता के। इन्होंने पूरी मुस्लिम को कम्युनिटी को टारगेट किया है। एक मिनट, इन्होंने पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। इनसे ये पूछो अगर मुसलमानों की गंदी मानसिकता होती वो रामनवमी पे भी कुछ कर सकते थे, वो 14 तारीख में भी कुछ कर सकते, 14 अप्रैल पर अपने त्यौहार पर बिगाड़ेंगे। ये अंधभक्ति इतनी अच्छी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके को ये भाई साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, ऐसा कुछ नहीं है जैसे भाई साहब कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी है, सुनो, दारू वारू पीते हैं कुछ लोग। दारू वारू पीने के बाद में उन्हें बेहोश हो जाती है, उन्हें यही पता ना होता हम किससे क्या कह रहे हैं, किससे क्या करवा रहे हैं। दारू कोई मुस्लिम थोड़ा पीते, हिंदू भी बहुत लोग पी रहे हैं, हिंदू भी पी रहे हैं, मुसलमान भी पी रहे। तो थोड़ा ये दीवार का दौरा था। सुनिए, ये अगर भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता अगर है, समर्थक है, तो उसमें बुराई क्या? अपनी पार्टी की तारीफ करनी चाहिए, उसमें क्या बात है? नहीं, हम ये पार्टी का समर्थन करते हैं, ये पार्टी का समर्थक अपनी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। बुरा नहीं मानना भाई, भाई को नॉलेज होगी माशाल्लाह से काफी अच्छी। ये बस पांच काम गिना दे जो इस सरकार ने दीजिए, पांच काम गिना दे। अरे सारे काम बढ़िया कर ली, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो मैं ज्यादा इनकी तरह दिमाग मारूँ आपसे। अरे अरे भाई पीछे जी, क्या मुद्दा है जी? मेरा मुद्दा यही है कि कैसा होता है कि समाज में जब भी नवरात्रि चलते हैं तो गोश्त की मीट की दुकान बंद कर देते हैं, सबको पता है। लेकिन जब भी क्या नाम है, बोलने दो, सबके अपने मुद्दे हैं यार। जब भी कांवड़े चलते हैं तो मीट की दुकान बंद कर देते हैं कि इसलिए इनके गंदगी होगी। लेकिन कभी आज तक ठेके बंद हुए हैं शराब के? कभी बंद नहीं हुए, क्योंकि उनसे जो ना ट्राप के ठेके जितने बंद होंगे पता है सरकार को नुकसान होगी। सरकार सिर्फ अपना नुकसान देखती है, पब्लिक का कोई नुकसान नहीं देखती। तो यही मेरा मुद्दा है। जी जी, हाँ जी बताइए जी, 400 पार लग रहा है आपको? 400 पार? ये 200 पार कर लें, इसी में गनीमत हो जाएगी। 400 पार की बात कर रही हो? बड़े बड़े दावे कर रही है बीजेपी। दावे तो ये करते आए हैं, इन्होंने दावे भी किए हैं, और जितने दावे करे हैं नौकरी देने के इन्होंने दावे करे। हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाने का इन्होंने वादा करा। क्या वादे पूरे और क्या दावे पूरे हुए इनके? ये 400 पार के 600 पार कहने लगे, इनके कहने क्या है? अभी कहते हैं एक सांसद, 4000 सीटें लाओगे क्या है? अब तो 400 पार हो तो रहा है, सिलेंडर 400 पार हो गया, पेट्रोल 60 पार हो गया, दालें 60 रुपए से 120 रुपए पार हो गई, ये सब कुछ पार ही तो हो रहा है, ऐसी पार हो जाएंगे ये? अब का तो चुनावी आर पार का होता थी क्या बहन जी का, बीजेपी का बस पर भाजपा ही है अब का टक्कर पर। ये सोशल मीडिया में एक वीडियो देखी थी, ये बता रहे थे क्या नाम है, तुम राहुल गांधी ये बोलते हैं तुम पंजे का बटन दबाओ तो पंजा जीतेगा, मोदी जी ये कहते हैं तुम बटन कोई सा भी दबाओ जीतेंगे हम ही, वो ही देख रहे हैं हम भी। ऐसा है, मुद्दा हो रहे हैं मशीन जो ये मीट के काम पर जो मुद्दा उठाते हैं सरकार हमारी बीजेपी, जो इलेक्ट्रिक पॉन्ड जो अभी इन्होंने खरीदे हैं अलाना वालों से 5 करोड़ रुपए लिए हैं इन्होंने जीएसटी के, वो काय के लिए हैं इन्होंने? जब ये मीट के मुद्दे पर बात करते हैं कि हमने मीट बंद कर दिया, ये कर दिया, हमने अवैध कट्टी जो है हमने बिल्कुल बंद कर दी, तो इन्होंने मतलब जो ये गोमांस बेचने वाले हैं इन्होंने क्यों उनसे 5 करोड़ का चंदा लिया? नहीं, मीट बंद नहीं है, मीट इसलिए बंद नहीं है कि मीट की फैक्ट्री सबसे ज्यादा मुसलमानों से ज्यादा इनकी है। ये बंद गया तो बिक रहा है 280 रुपए किलो, 300 रुपए किलो जब बिक रहा है, जब मीट बंद रहा है, मीट कहाँ पे खोला बिक रहा बताइए आप मुझे? सारे हिंदुओं की है, बिना लाइसेंस वाली दुकान पे कहीं भी मीट नहीं बिक रहा, और जिन पर लाइसेंस की दुकान है वे अपना महंगा करके बेच रहे हैं, वे क्यों बेच रहे हैं? पीछे भी महंगा हो रहा है ना मीट, आप जब लोग है ना खाने को विकास समझ रहे हैं तो फिर अपने खाने भी बात करते रहो, फिर विकास पे क्या बात करो? ये सब मुद्दे नहीं है। मुद्दा क्या है, मैटर क्या करता है? कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, 52 मुस्लिम निकले हैं, ठीक है, आईएएस बने हैं, मतलब 52 मुस्लिम। मुद्दा ये है, मुद्दा ये बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, 400 पार किस बेस पर मांग रहे हैं आप? 400 पार आप काम पर मांगिए, 14 का इलेक्शन जीत गए आप अच्छे दिन के ऊपर, अब क्या इनका मेन्यू है? मोदी की गारंटी, आपने 2 करोड़ अगर आप लोगों ने जॉब दी हो तो आप अपनी गारंटी को मानिए, कि मतलब आप कह सकते हैं कि हमने 2 करोड़ जॉब दी है हमें वोट दीजिए। बीजेपी मतलब किस बेस पर 400 पार की बात कर रही है?
तो इनके पास एक तो कोई मुद्दा है नहीं, पहली सीधी सीधी बात है, कोई मुद्दा नहीं। दूसरी बात, ये पहले से ही, इनका पहले से ही है कि धर्म की राजनीति करते हैं, और इनको लग रहा है कि पब्लिक अभी भी उस बार वोट दे देगी। पर इस बार क्या है, जो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, ना कि मजहब के तौर पर। बाकी रही बात मेजर मुद्दों की, पढ़ाई है, एजुकेशन पर काम होना चाहिए, पॉलिसी, हाँ पॉलिसी होनी चाहिए, वुमेन सेफ्टी पर बात होनी चाहिए, ये बेसिक मुद्दे हैं। बाकी कोई मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, और इस बार इलेक्शन भी उसी पर होने जा रहा है। ये बताएंगे, सरकार ने जो है हर काम को जो है बिजनेस बना दिया है। हमने आपके, मैंने खुद ने यूपीएससी का फॉर्म भरा था, यूपीएससी का फॉर्म भरा मैंने। यूपीएससी का फॉर्म भरने के बाद मैं अपना 2-3 हज़ार रुपये उठाकर मैं दिल्ली गया पेपर देने। पेपर देने के बाद हमें पता नहीं कि पेपर लीक हो गया, हमें आने के बाद पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। देखो कि 70 लाख बच्चों ने फार्म भरा, उसका 600 रुपये का खर्चा फार्म भरने का आया, हर एक बच्चे का 600 रुपये बच्चे का। और जी क्या नाम है, हमारे 3 हज़ार वैसे उठ गए वहाँ आने जाने में, हम अपनी गाड़ी से गए वहाँ, हमने टाइम बर्बाद करा, अपना पूरा दिन बर्बाद करा। वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है क्या, पेपर लीक हो गया। क्या सरकार ये काम कर रही है, पेपर लीक करा रही है क्या? इलेक्शन पे, इलेक्शन से पहले पेपर हो जाता, क्लियर हो जाता, भर्ती इतनी निकलती नहीं। भर्ती निकाली 55 हज़ार, बच्चों ने फार्म भर दिया 70 लाख, तो इसमें उनकी वोटिंग कट जाती। मतलब ये मीडिया का भी काम है कि बेसिक मुद्दों पे बात हो, बच्चों की एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, वुमेन सेफ्टी पर बात होनी चाहिए, ना कि ये 400 बार ये नैरेटिव है। और मीडिया ना बढ़ाए इस चीज को, अच्छा है मीडिया खुद आए। अच्छी बात है, बीजेपी सरकार दोबारा आए, तिबारा आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 50 साल नहीं। इससे इस 400 पार का नारा से ऐसा महसूस होता है जैसे इन्होंने मशीनें हैंग कर दिया, इन्हें मालूम है कि इस बार हम जीत ही लेंगे 400 पार। जैसे पहले से इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, देखिए अगर इनको 400 पार का तो पता है, कोलिशन के भी साथ 400 पार नहीं हो पाएंगे अगर कोलिशन। इन्हें 400 पार का तो पता है, लेकिन पुलवामा में चार टन आयडा कहाँ से आया उसका, इसका पता नहीं लगा पा रहे। पहले 400 पार का कहाँ से पता लग जाएगा, उसका पता कैसे लगेगा? वो तो सब कुछ पहले से पता, और फिर ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा मुद्दा है, कोई इसका मीडिया कवरेज नहीं। लद्दाख में इशू चल रहा है, वो 6th शेड्यूल में अपने आपको मांग रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। उसके अलावा मणिपुर में हिंसा है, उस पर कोई नहीं, वहाँ कोई जाकर भी नहीं देख रहा है। और लद्दाख का तो इतना ऐसा सीन हुआ है, जिस जो इंसान जिसने हिंदुस्तान के लिए इतना किया है, सोनम वांगचुक, उस इंसान, वो इंसान 21 दिन वो धरने पर बैठा है, भूख हड़ताल की है, उसको बीजेपी ने पलट कर भी नहीं देखा, क्योंकि एक लोकसभा सीट है बस वहाँ पर, यही रीज़न है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन पर बात करनी चाहिए, ना कि ये 400 पार या हिंदू मुस्लिम, ये होता रहेगा। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खत्म हो गया, एक ही नारा रह गया, 400 पार 400 पार। हमने बता दिया 400 पार, दाल 400 पार हो गई, 60 से 200 रुपये किलो हो गई, 400 रुपये का सिलेंडर था वो पार हो गया, 1200 रुपये पहुँच गया, आपका और महंगाई हो जाएगी आपका। ये तो ये जो नारा है, ये इनको संकेत दिया जा रहा है जनता को कि अब का जो है आलू भी 400 पार बिकेगा, समझ गए? धन्यवाद।